सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो प्लान है से वो क्या है? वो तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो क्यों नहीं भारत को सोनार बनाता था? पहले तो भारत को सोनार बनाना चाहिए। तो बंगाल तो भारत का बाहर बाहर का कोई स्टेट नहीं है, तो सोनार तो बना जा रहे हैं ना। लेकिन ये बताओ कि वो कह रहे हैं कि भाई बंगाल में नहीं विकास हुआ, करने नहीं दिया, केंद्र की योजनाएं हैं उसको भी यहाँ लागू नहीं होने दिया, किसानों के खाते में पैसे नहीं जा पाए, बहुत सारी स्कीम है नहीं हो पाया, हमें एक बार मौका तो हम करेंगे। वो जो बोल रहा है वो सब गलत बोल रहा है, क्योंकि इधर ममता बनर्जी जो 64 अलग अलग जो प्रकल्प दिया ना, वो जन्म से एकदम मृत्यु तक एवरी फीलिंग्स अब बंगाली लाइफ का वो दे दिया। वो जो मोदी जी वो बंगाल का फीलिंग्स ही नहीं सोचता था, वो अच्छा से वो बांग्ला नहीं आता था, वो कैसे सोनार बांग्ला बनाएगा? लेकिन टीएमसी से और लेफ्ट से और कांग्रेस से 150 को ले गया ना, सबको टिकट दिया, वो सब मिलके बनाएगा। वो चोर गद्दार वो झूठ झमेला उसको ले गया और उसको दिए को डस्टबिन बनेगा, सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। वो सब जो गद्दार है, चोर है, जो चोर है वो गया था ना, वो उसको एक डस्टबिन बन गया, उधर वो डस्टबिन ही बनेगा, सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो जो चाहिए उसका पास कुछ नहीं है, उसका पास बंगाल का जो फीलिंग्स है ना, बंगाल का जो कल्चर है उस लोग जानता ही नहीं है। बताओ कि ये सब लोग चाहे शुभेंदु अधिकारी, चाहे जो भी हो मुकुल रॉय और बहुत सारे लोग, जब टीएमसी में थे तो ठीक थे, उधर गए तो चोर गद्दार हो गए। नहीं नहीं ठीक नहीं था, इधर भी ठीक नहीं था, इधर तो जो कुछ वो किया था ना गलत किया था, इसीलिए डर डर में वो अदर पार्टी में चला गया बचने के लिए। उसको जो बनाया ना वो बचाने के लिए वो अदर स्टेट अदर दल का चला गया, तो केंद्र पार्टी का चला गया, तो उसको बचे देगा? उसको नरोदा केस है, उसका शारदा केस है, उसका बहुत घोटाला है, उसको उसके पास बचने के लिए वो तृणमूल छोड़ के उधर चला गया। मोदी जी बोलते हैं कि तृणमूल मतलब होता है ट्रांसफर माय कमीशन, और कट मनी तोलाबाजी बहुत है, बीजेपी आएगी तो ये सबसे आपको फ्री कराएगी। ये हम जो बोलता है जो मोदी होता है वो नीरव मोदी होता है, ये अच्छा लगेगा क्या? वो तो नीरव मोदी का भाई है ना, इधर 1000 करोड़ रुपया दिया, बोलता है सब चोरी किया था, नीरव मोदी 15,000 लेके चला गया, उसका भाई है, उसको रिफंड क्यों नहीं लिया? लोको जो कोटि कोटि जो मुनाफा है बैंक को बेसरकारीकरण कर दिया, इसका किसका अच्छा होगा? रेल को बेसरकारीकरण करेगा, इससे किसका अच्छा होगा? कुछ ही को अच्छा नहीं होगा, होगा उसको मोदी का होगा। मोदी जन्म होते का वो अपना नाम को एक स्टेडियम। मोदी जी बोलता है कि बंगाल में बेरोजगारी बहुत है, हम आएंगे तो रोजगार युक्त बनाएंगे, रोजगार वाला सोनार बंगला बनाएंगे। इस बारे में ना घोड़ा भी हंसेगा, घोड़ा इसके घोड़ा भी हंसेगा। वो जो ये है ना बीजेपी स्टेट है, बीजेपी चलने वाला स्टेट है, उधर से इधर जो अच्छा ये है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि इधर जो काम होता है वो उधर से अनेक ज्यादा होता है। एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं इकोनॉमिक्स से एमएससी है, हम जानता है किधर किसका एम्प्लॉयमेंट है। एवरेज ऑल इंडिया एवरेज 5.8, मेरा तो इधर इससे कम है, आपका जो ये है स्टेट है ना उधर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो कैसे बनेगा? ये जिस राज्यों में आप नहीं किया था, असम में बेरोजगारी सब ठीक कर दिया, नहीं कर दिया ना, तो इधर कैसे करेगा? प्लान क्या है ये बोलिए ना।